Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Natural Beauty and Hair Treatment. मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में एक हेयर कंडीशनर शेयर कर रही हूँ. गाइज, इसको आप अपने बालों में जब लगाओगे, जब आप अपने बालों को वॉश कर लोगे, ठीक है. जब हम अपने बालों को वॉश कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम ये होती है कि हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो गाइज, आप लोग सबसे पहले तो अपने पानी का ध्यान रखिए और अपने खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखिए. और जो भी पानी से आप वॉश करें तो वो कई दिनों का रखा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए, क्लीन पानी होना चाहिए. मैंने आप लोग के साथ में हैक्स में और टिप्स में शेयर किया हुआ था कि आप लोग को कैसे अपने बालों को मेंटेन करना है, किस पानी में बाल को वॉश करना है. सो गाइज, यहाँ पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, ज्यादा इंट्रो नहीं दूंगी, बिकॉज बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. तो इसलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे. आज का जो कंडीशनर है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इजी वे में है. और मैं आप लोग को यहाँ पर जो भी चीजें ऐड करके बताऊंगी बनाने का तरीका, वो भी बहुत ही सिंपल सा है और कम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज किए हैं, बिकॉज सब लोगों को सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो रही है. गाइज, यहाँ पर एक चीज और, जो चीजें मैंने यूज करी है वही चीज चलेगी. आप लोग फ्रेश एलोवेरा जेल जो प्लांट वाला होता है वो इसमें यूज नहीं करना है, बिकॉज हम इसको कंडीशनर बना रहे हैं. इसको हम स्टोर करके काफी दिन तक रख सकते हैं, जैसे कि मार्केट का कंडीशनर होता है, और ये वैसे ही वर्क करता है. आपको करना क्या है मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ, कैसे यूज करना है, कितनी देर रखना है वो, और फिर मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी और मैं अप्लाई करके आप लोगों को हल्का हल्का दिखा दूंगी. बिकॉज अभी मुझे हेयर वॉश तो करना नहीं है तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में बनाकर ही शेयर कर देती हूँ और लगा के भी दिखा दूंगी, जिससे आप लोग को जो ट्रस्ट है वो बना रहे. ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज करूंगी, उसके बाद मैं ग्लिसरीन और विटामिन ई की कैप्सूल लूंगी. विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे नेल के लिए भी बहुत अच्छा होता है. जिनके हाथों के और पैर के नेल नहीं बढ़ते हैं, लंबे नहीं होते हैं, उनके लिए विटामिन ई के कैप्सूल के यूजेस बहुत सारे हैं. जिनको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है बहुत ही फायदा करता है. आप लोग को पता होगा कि कोकोनट जो ऑयल होता है उसमें विटामिन ई बहुत ही ज्यादा अधिक पाया जाता है, और उससे ज्यादा जो विटामिन ई पाया जाता है वो है हमारा आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल हो गया या कोई भी आलमंड ऑयल हो गया. ठीक है गाइस, विटामिन ई हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, नाखून के लिए. ठीक है गाइस, उसके बाद से ग्लिसरीन. ग्लिसरीन आपके होंठ के लिए, लिप्स के लिए और सॉफ्ट और स्मूथ और सिल्की हेयर के लिए बहुत ही यूज होता है. और ग्लिस और एलोवेरा का तो आप लोग को पता ही, एलोवेरा तो आप हेयर स्पा में भी यूज कर सकते हैं. एलोवेरा से आप बहुत सारे पैक बना सकते हैं, एलोवेरा से आप बहुत सारे अपने स्किन केयर में यूज कर सकते हैं, हेयर केयर में यूज कर सकते हैं. डीपली वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं शेयर कर दूंगी. तो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं कि बनाना कैसे है, उसके बाद मैं आप लोग को अप्लाई करके बताऊँ. सो गाइज, आपको क्या करना है, एक ऐसी इस टाइप की प्लेट लेनी है और उसके बाद से आपको एक स्पून लेना है. इसमें ही हम बनाएंगे, मैं आपके सामने ही बनाकर दिखा देती हूँ. और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये विटामिन ई की कैप्सूल, ईवीएन नाम से आती है, 400 mg की है. ये बहुत ही अच्छी होती है, ये ग्रीन कलर में आती है. विटामिन ई की कैप्सूल मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, आपको यही यूज करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए. बाकी आप की मर्जी, अगर आपको मिलता है तो आप अदर भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, 1 से 2 हफ्ते में रिजल्ट चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो. और सबसे खास बात यह है कि आप अपने बालों में शैम्पू करिए या ऑयलिंग करिए, उसके बाद आप अगर हेयर वॉश करते हैं और इस कंडीशनर को यूज करते हैं तो आपके बालों में एक भी टैंगल्स नहीं होंगे. और आपके जो बाल हैं आफ्टर वॉश, आफ्टर कंडीशनर, जब वो ड्राई हो जाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और बिल्कुल सिल्की स्मूथ और शाइनिंग वाले हेयर आपको मिलेंगे. बट हाँ, इसको यूज करने का जो तरीका है उसी तरीके से यूज करिएगा, और इसको बनाने का जो तरीका है वो बनाने का भी तरीका सेम ही रखिएगा. कोई चीज अलग से मत ऐड करिएगा, बिकॉज उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा. मैं आप लोग को ये चीज बार बार यहाँ पर रिपीट करती हूँ. मैं यहाँ पर ये 3 विटामिन ई की कैप्सूल ले रही हूँ, ईवीएन, ये देखिए 3. सो गाइज, यहाँ पर हम विटामिन ई की कैप्सूल को कट कर लेंगे, और देखिए कट करने के बाद से ही इसमें जो लिक्विड होगा वो हम निकाल लेंगे, ये देखिए. और आपको विटामिन ई की कैप्सूल ज्यादा नहीं डालनी है, बहुत थोड़ी सी डालनी है, बिकॉज आपके जो हेयर हैं बहुत ही स्टिकी हो जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ही डालना है विटामिन ई की कैप्सूल, बस 3 ही डालना है. और मेरे बाल ज्यादा लंबे हैं तो मैं ज्यादा बना के रख रही हूँ, बिकॉज मेरा भी खत्म ही हो गया है कंडीशनर, बस आज के लिए ही बचा है. तो जब मैं हेयर वॉश करूंगी तब अपना यूज कर लेती उसको, बट अब खत्म ही हो गया तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं और शेयर भी कर देंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 ली है और 3 में बस ये इतना सा निकला हुआ है, ये देखिए.
और उसके बाद से हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्लिसरीन। देखिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे मंगाया है, जबकि मेरे पास पंजाब में ये आधा किलो का रखा हुआ है। मैंने बड़ी बॉटल मंगाई है बिकॉज मैं बहुत सारा इसको यूज करती रहती हूँ, अपने स्किन केयर में यूज करती हूँ, अपने नेल की केयर में यूज करती हूँ, अपने हेयर पे भी यूज करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर छोटा मंगा लिया है बिकॉज मुझे यहाँ ज्यादा रहना नहीं है इस वजह से। और ये बहुत ही अच्छा है, और ये जो ग्लिसरीन है साहिबा का है, साहिबा का रोज वाटर भी मैं यूज करती हूँ और साहिबा का ही ग्लिसरीन यूज करती हूँ। ग्लिसरीन आपको ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, बस इतना सा ही लेना है। जितना आपका विटामिन ई की कैप्सूल रहेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद से ये है हमारा एलोवेरा पतंजलि का 60 ml है, ठीक है। ये पूरा हम लेंगे 60 ml। आपको यही वाला एलोवेरा जेल यूज करना है, ग्रीन वाला जो मार्केट में आता है। पतंजलि का लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप अदर कोई लेते हैं तो उसका मैं कह नहीं सकती बिकॉज मैं जो चीजें यूज करती हूँ वही चीजें शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये पूरा एलोवेरा जेल इसमें डाल दूंगी 60 ml के करीब। आप इसको 6 से 7 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको गीले हाथ से इसको बिल्कुल भी नहीं टच करना है, छूना नहीं है, ठीक है। आप कंटेनर ले सकते हैं, कोई आप स्प्रे वाला बॉटल ले सकते हैं और उसमें सेक करके रख दीजिए आप इसको, और उसके बाद से आप इसको जब लगाना है तो आप डायरेक्ट अपने हाथों पर लीजिए और अप्लाई करिए, बिकॉज अगर आप इसमें थोड़ा सा भी पानी गया तो ये खराब हो जाएगा। सो गाइज मैंने यहाँ पर सारा वो एलोवेरा जेल था वो ऐड कर लिया है, और इसको आप जब मिक्स करेंगे, अभी तो आपको ये ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, ठीक है, जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा कंडीशनर होता है ना वैसा सा आ जाएगा। अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए ये लग रहा है आपको कि मतलब कंडीशनर आपने घर में बनाया है, लग रहा है कि मार्केट का कंडीशनर है हमारा। तो गाइज ये हमारा कंडीशनर बन गया है, और उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से धोना है। धोने के बाद से आपको क्या करना है, जब अपने बालों को आप धो रहे हो, फर्स्ट स्टेप ये है आपका कि अपने बालों को जब धोगे तो बाल का जो पानी होता है जिससे आपको धोना है वो पानी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। या फिर आप कर सकते हो कि कलौंजी का 1 ग्लास पानी बनाया और जिससे आप बाल धो रहे हो उसमें ऐड कर लिया आपने, और उसके बाद अगर आप इसको डालकर यूज करते हो, अपने बालों को धोते हो, तो बहुत ही अच्छा फर्क पड़ता है, ठीक है। और आप जब इसको धो लोगे, धोने के बाद से आपको अपने बालों में शैम्पू यूज करना है जब आपके बाल वेट हो जाएंगे, ठीक है। शैम्पू यूज करने के बाद से आपको जब अपने बालों को आप पानी से निकालोगे, पानी से निकालने के बाद से आप उसमें जो ग्रीन टी वाला जो पानी अलग से बना के रखे हो या फिर कलौंजी का, उसको डालना है अपने बालों में। उसके बाद आप अपने बालों में कंडीशनर अप्लाई करिए। कंडीशनर अप्लाई करने के बाद से आप जब कंडीशनर इसको लेंगे और इसको आपको अपने हाथों पर रब करना है, रब करने के बाद इसको अप्लाई करना है अपनी पूरी लेंथ में। आप चाहें तो अपने स्कैल्प में भी इसको यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, मार्केट के जो कंडीशनर होते हैं ज्यादातर उनको स्कैल्प में मना होता है यूज करना। बहुत से ऐसे कंडीशनर हैं जो स्कैल्प में डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको यूज कर सकते हो, तो मैं इसको बेस्ट बोलूंगी बिकॉज हम इसको अपनी पूरी लेंथ और स्कैल्प दोनों में यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो स्कैल्प है वो भी अच्छे से ट्रीट होगा और हमारे जो हेयर है वो भी अच्छे से ट्रीट होंगे, मेंटेन होंगे, ठीक है गाइज। और जब आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लोगे, 5 मिनट आपको वेट करना है। वेट करने के बाद से आप नॉर्मल वाटर या फिर कलौंजी का पानी या फिर आप ग्रीन टी का पानी या फिर लेमन टी का पानी, जिंजर का पानी, कोई भी चीज आप पानी बना लीजिए अपना, बहुत ही अच्छा सा क्लीन सा पानी, और उसके बाद आप अपने बालों को डिप करके निकाल लीजिए, ठीक है। बट आपको सबसे पहले अपने कंडीशनर को निकालना है वॉश करके, उसके बाद आपको ये पानी जो मैंने आपको 3 से 4 चीजें बताई हैं उसमें डिप करने हैं अपने बालों को। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी, आंसर कर दूंगी। सो गाइज इसको अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, और आप लोगों का ट्रस्ट जो है वो है बना तभी है मेरे ऊपर, बिकॉज मैं अप्लाई करके चीजें दिखाती हूँ, तो मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देती हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे दीदी आपने तो पता नहीं क्या बता दिया। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं एक बार। आपको क्या करना है, बीच से पार्टीशन कर लीजिए। मेरे बालों में शाइनिंग देखिए इतनी मस्त आ रही ना, और मेरे हाइलाइट्स भी दिख रहे हैं। गाइज आपको क्या करना है, जैसे आपने मैंने तो अभी अब मैं यहाँ पर ड्राई हेयर में बाल में लगा रही हूँ बिकॉज मैंने भी हेयर वॉश करने नहीं है और मैंने कर लिया था कल, तो इसलिए कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी मेरी हेयर वॉश वाली, मैंने टॉवल रैप किया हुआ था।
तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए लगा के दिखा रही हूँ बिकॉज आप लोगों का जो ट्रस्ट है वो बना रहे, बिकॉज आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना कि दीदी पता नहीं क्या बता रही है, सही है या गलत। और ये चीज आप अप्लाई करेंगे ना अपने बालों में तो आप अपने बालों की शाइनिंग देखिएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर लाइव डेमो, देखिए अपने बालों की शाइनिंग देखिए। इसको अच्छे से अप्लाई करिए आप अपने बालों में, लेंथ में, स्कैल्प में, अच्छे से हर जगह अप्लाई करिए। और उसके बाद से आप इसको छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। आप इसको कंडीशनर की तरह यूज करें तो 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने पानी से बालों में निकाल लीजिए और आपको ये पूरी जो आपकी लेंथ होती है, नीचे वाले जो बाल होते हैं ना हमारे, जहाँ पे स्ट्रेटन्स की प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे भी अप्लाई करना है, जिससे कि दो मुहे की जो प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक खत्म हो जाती है आपकी और आपको अच्छे से बाल मिलते हैं, बिल्कुल स्मूथ और सिल्की है। सो गाइज यहाँ पर मैंने वन साइड लगा लिया है, मैं आप लोग को एक बार स्कैल्प में भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। गाइज आप लोग कहते हो दीदी आप हेयर केयर रूटीन शेयर करो, हेयर केयर रूटीन शेयर करो। गाइज हेयर केयर रूटीन तो शेयर कर दूं, अगर मुझे ऐसे करना हो तो मैं ऐसे शेयर कर दूंगी, बट आप लोग कहते हो ना कि अप्लाई करके दिखाओ, तो अप्लाई करने में टाइम लगता है बिकॉज बाबू छोटा है, उसकी हेल्थ खराब हो गई थी, क्योंकि अगर मैं बार बार शैम्पू करूंगी वॉश करूंगी तो वो मेरा फीड लेता है तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ आप लोगों से, उसके बाद शेयर करती हूँ। अब मैं पंजाब आकर आप लोग के साथ में हेयर केयर का जो लिस्ट है वो शेयर कर दूंगी, और अगर आप लोग इस पे एग्री हैं कि आप अप्लाई करके मत दिखाइए तो मैं आप लोग को तो पता नहीं कितनी सारी वीडियो बना के दे दूं, बट आप लोग की कंडीशन यहाँ पर ये है कि आप अप्लाई करके दिखाया करो तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ आप लोग को, इसीलिए टाइम लगता है वीडियो में बस। और गाइज आप अपने ऊपर के बालों की ही ज्यादा ध्यान मत दिया करिए बिकॉज आपके जो नीचे के जो बाल होते हैं उन पे भी ध्यान दिया करिए, बिकॉज बाल के जो पार्ट होते हैं उनका हर जगह ध्यान देना चाहिए, सारे बालों पे ही ध्यान देना चाहिए तो वो अच्छे रहते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और कितनी ज्यादा शाइनिंग आ रही है, ये देखिए चमक इसको लगाने के बाद। गाइज आप लोग को ग्लिसरीन का, विटामिन ई का अगर अच्छे से यूजेस और बेनिफिट्स मतलब जानने होंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के साथ में उसके यूजेस और बेनिफिट्स आप लोग के साथ में शेयर करूंगी बिल्कुल डीपली। बहुत सारे उसके यूजेस हैं और आप इसको थोड़े थोड़े अपने बैक साइड पे लगा लीजिए। देखिए मैंने सारा कंडीशनर खत्म कर दिया एक बार में ही। बिल्कुल टाइट सा बन बना लेंगे एक अच्छा सा और उसके बाद आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए या फिर आपको पानी से वॉश करना है तो कर लीजिए, बट मैंने आप लोग के साथ में कंडीशनर शेयर किया है तो आप इसको कंडीशनर की तरह यूज करेंगे, तो आप इसको 5 मिनट रखेंगे फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से आपको वॉश कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और जैसे मैंने अप्लाई किया अगर आप चाहें तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइज नो प्रॉब्लम, दोनों वे में आप यूज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कोई भी डाउट्स होंगे कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई कर दूंगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, बाय फ्रेंड्स लव यू।